वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई प्रथा ऐसी अनूठी तो है नहीं, मुख्यमंत्रियों को तो जो भी सेंटर में बैठता है पार्टी में वो कई बार बदला है और ऐसा कांग्रेस भी करती आई है। अंजना जी, मैं छोटी सी बात का जवाब एक छोटी सी बाइट सुनाकर देना चाहती हूँ, 40 सेकंड की बाइट है। 11 मार्च मतलब कल की आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी की हरियाणा में थे, ये बाइट सुननी जरूरी है। और ये बाइट वो मनोहर लाल खट्टर जी के लिए कह रहे हैं, ये हमने पैकेज में भी डाला है। इस बाइट हमने में प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में ये बाइट डाल दी। मेरा बड़ा पुराना नाता है वो। हाँ। अरे एक मिनट, हमें भी सुनाने का मौका दे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी है, दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। जिससे पुराना साथ रहता है पहले उन्हीं को निपटाते हैं, सावधान हो जाए सब लोग। मैं दो बातें कह देना चाहती हूँ, इनकी बात का उत्तर देना मुझे लगता नहीं है कि मैं जरूरी समझती हूँ, लेकिन कुछ तथ्य लग देने चाहिए। पिछले 48 घंटों में दो सिटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी के बृजेंद्र सिंह और राहुल कासवान कांग्रेस में शामिल हुए। पिछले एक हफ्ते में 4 सिटिंग बीजेपी एमपीज ने, जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर, जसवीर कौर, सनी देओल, लोगों ने कहा हम भैया चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पिछले एक हफ्ते में दो लोग जिनको टिकट मिल गया, चाहे वो उपेंद्र रावत हो और पवन सिंह, उन्होंने टिकट वापसी करके कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले एक ही हफ्ते में कई लोगों ने राजनीति को अलविदा कह दिया, उसमें एक डॉक्टर हर्षवर्धन है, एक वहां पर नितिन पटेल जी, उन्होंने कहा भैया हमें टिकट ही नहीं चाहिए, हमें राजनीति ही नहीं करनी, अब हम जाके कुछ और करेंगे। ये एक डूबता जहाज है, नहीं देखना चाहते मत देखिए, हमें तो अच्छा लगेगा आप मत देखिए, आप ना देखिए, आप आंखों पे पट्टी बांधे रहिए। आपका इलाज ये देश की जनता कर रही है। जिस राम रहीम को बार बार पैरोल पर छोड़कर लड़कियों का उपहास उड़ाया जाता था, वही लड़कियां हरियाणा में आपका हिसाब करेंगी। जिन नौजवानों को खदेड़ा जाता था, जिन किसानों को दबदबा उनके ऊपर बनाया जाता था, पीटा जाता था, वही हिसाब करेंगे आपका। एक सांप के जहर के तस्कर को हीरो बनाकर मनोहर लाल खट्टर जी दिखा रहे हैं और देश के नौजवानों को कहते हैं तुम्हें चंद्रयान पे ऊपर भेज दूंगा, तो उनके हट जाने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे और ना ये नूरा कुश्ती करने से आप वापस सत्ता में आने वाले। सारे प्रयास कर लीजिए, हरियाणा ने भी मन बना लिया है और जब मन बना लेता हरियाणा तो बड़े बड़े उसका कुछ कर नहीं पाते। ठीक है सुधांशु जी, अब थोड़ा सा आप मुस्कुरा लीजिए क्योंकि आपको इंतजार देने जवाब देने के लिए इंतजार करना होगा। डूबता जहाज, हालांकि कांग्रेस पार्टी को डूबता जहाज बहुत ही आयरोनिकली सुप्रिया जी कन्हैया कुमार ने बोला था जब वो ज्वाइन कर रहे थे और पीसी के थे, लेकिन ये नंबर्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ संजय जी। हरियाणा का जो जातीय समीकरण है, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहेर 5.14%, वैश्य लगभग 5% है, जाट जो है वहां पर लगभग 20-25 जाट, सिख जो है, जट सिख जिन्हें कहा जाता है, वो 4%, राजपूत 3.5% के आसपास है, गुर्जर भी 3.5% के आसपास है, सैनी जिस जाति से सीएम आते हैं नायब सिंह सैनी, वो लगभग 3%, मुस्लिम लगभग 3.8% है। सबसे ज्यादा यहां पर 25% जाट है, 21% दलित है। जातीय समीकरण भी साधने की कवायद के तौर पर ये सीएम बदलने को देखा जा रहा है ओबीसी इसको टारगेट करने के लिए, आप कैसे देखते हैं? हाँ अंजना जी, अगर आप यूं देखें कि जिस जाति से मुख्यमंत्री को बनाया गया उनकी आबादी तो सिर्फ 3% है, तो बीजेपी कैसे जातीय गणित को साधने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है इस बात को समझाने की जरूरत है दर्शकों को। क्योंकि अगर आप अलग अलग राज्यों में देखें, पिछले 10 साल में बीजेपी ने ओबीसी में जो पैठ बनाने की कोशिश की, उन्होंने नॉन डोमिनेंट ओबीसी में पैठ बनाने की पहले कोशिश की है। आप बिहार को देखें, यादवों को छोड़ जितने तमाम ओबीसी जातियां हैं उनमें उन्होंने पैठ बनाने की कोशिश की और उसमें बहुत सफल रहे। यूपी की राजनीति भी वैसी ही है और हरियाणा में भी जब उनकी पहली बार सरकार बनी उन्होंने एक गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया और वही परंपरा वो आज दोबारा जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओबीसी समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश है, दलितों की आबादी बड़ी है, दलितों में पैठ बनाने की कोशिश है, लेकिन उन्हें पता है पारंपरिक तौर पर जाट वोटर एक किसी खास पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे जेजेपी की बात हो और चाहे कांग्रेस की बात हो, उसमें सेंधमारी करनी बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल होगी बजाय नॉन डोमिनेंट जो ओबीसी है, गैर जाट ओबीसी है। यही कोशिश है बीजेपी की,
पहली सरकार में भी यही कोशिश थी और आज जब सरकार बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं और नया मंत्रिमंडल का विस्तार, नया मंत्रिमंडल शपथ ले रहा है, तो यही एक पॉलिसी मुझे लगता है बीजेपी की दिखाई पड़ रही है। हर्षवर्धन जी, आप भी कैसी तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि 25% जो जाट है वो पारंपरिक रूप से हम देखें तो कांग्रेस थोड़ा बहुत INLD, हालांकि उनका पिछली बार इलेक्शंस में जो हाल हुआ, और इधर JJP दुष्यंत चौटाला की पार्टी, इन्हीं के बीच में बटा रहता है। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि गठबंधन जा रहा था, उन्होंने जाने दिया कि जाट वोट दोनों के बीच में टूटेगा कटेगा तो हम फायदा बीजेपी को जाहिर तौर पर नहीं, तो वैसे भी उनके साथ नहीं है, बाकी सब आ जाए। एक तो मुझे ये लगता है कि शायद ये जितना आसान सा दिख रहा है उतना आसान है नहीं, यानी ये सीधे सीधे मैं गठजोड़ टूटता हुआ नहीं देखता। हो सकता है कि अभी इस बात को समझने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन अगर JJP के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो भी जाता तो बीजेपी के हिस्से क्या आता या JJP के किस हिस्से क्या आता? और आप देखिए, कोई तीखापन नहीं है, कोई दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में कोई तीखी बयानबाजी नहीं, किसी ने कोई वजह बताकर कोई हमला नहीं किया। दो सीटों की बात थी जिस पर कहरे बच गया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और JJP के बीच में एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, फिक्स्ड मैच है आप कह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, ये आप समझिए इसको। अभी जब चुनाव होगा, गैर जाट राजनीति की अकेली नेता भारतीय जनता पार्टी है, उधर नेता कौन कौन होंगे? उधर जो अलग अलग पार्टियां हैं छोटी छोटी जो देवीलाल की विरासत को लेकर जाएंगी वो तो होंगी, दुष्यंत चौटाला जो इधर जाते दिख रहे तो वो भी है। और एक बात मैं कहूं, देखिए आप कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर घांची तेली समाज से आते हैं, कभी वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे। नॉन डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स को नरेंद्र मोदी ने इस देश में नए सिरे से स्थापित किया। और एक बात और, एक ही परिवार से एक ही मुख्यमंत्री 10 साल 15 साल 20 साल रहेगा, एक ही व्यक्ति विधायक सांसद रहेगा, दो टर्म तीन टर्म के बाद बदलना, ज्यादा लोगों को हिस्सेदारी देना, ये नरेंद्र मोदी का नया मंत्र है जो काम करता है अक्सर। ठीक है, अब सुधांशु जी फिक्स मैच कह रहे हैं, वो इसे कोई तीखी बयानबाजी तो वाकई दुष्यंत चौटाला की तरफ से आई नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि बात नहीं बनी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, हमने नया CM बना लिया। अरे उपमुख्यमंत्री पद किसी का जाएगा, दूसरी पार्टी का है, थोड़ा तो परेशान होगा, कुछ तो बोलेगा, फिक्स्ड मैच कह रहे हैं। देखिए, हर्षवर्धन जी ने जो सोचा वो वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रभावित होकर ऐसी सोच गलत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहां तो ये हो गया जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाता है वो आए बाएं बोलने लगता है, पार्टियां छोड़ के जाते हैं वो लोग बोलने लगते हैं। तो गठबंधन में अगर उनको लगता है कि बगैर किसी के विरुद्ध अवांछित अपमानजनक टिप्पणी किए हुए लोग अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो बात ही नहीं है, मतलब लड़ाई होनी चाहिए, थोड़ी गाली गलौज होनी चाहिए तब लगे कि गठबंधन टूटा गया, क्योंकि आज की राजनीति में पार्टियों के अंदर यह व्यवस्था और यह परंपरा बन गई है, इस कारण से यह समस्या नजर आती। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुझे अचानक बैठे बैठे याद आ गया साहब, हरियाणा का एक बड़ा भारी रोल रहा है, हर्षवर्धन जी को याद होगा, इस देश में जो OBC पॉलिटिक्स कही जाती है उसका जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मंडल कमीशन। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं मंडल कमीशन किस दिन लागू हुआ था, 7 अगस्त 1990, 15 अगस्त में एक हफ्ता रह गया था, VP सिंह का वो पहला 15 अगस्त होने जा रहा था। इतना बड़े सामाजिक न्याय की घोषणा तो हो सकती थी 15 अगस्त के दिन, क्यों नहीं की? क्योंकि 9 अगस्त को चौधरी देवीलाल की रैली थी और उस रैली में इतनी भारी भीड़ आने वाली थी कि उनको लग रहा था कि जनता दल टूट जाएगा और तमाम सारे लोग उधर चले जाएंगे। उस समय तक जाट समाज OBC में नहीं आता था, तो इसलिए जाट और गैर जाटों के बीच में डिवीजन करने के लिए उन्होंने इस उद्देश्य से किया। और शरद यादव ने यह बात अपनी एक पुस्तक का एक हिस्सा जो उन्होंने लिखा, उन्होंने स्वयं लिखी है कि मैं स्वयं चला जाता देवीलाल जी की तरफ, मगर 9 अगस्त को रैली थी इसलिए 7 अगस्त को किया गया। इसका मतलब सामाजिक न्याय नहीं, ये सब वही पुरानी कहानी है, जातियों को लड़ाओ, जातियों को स्थान। अब मैं बताना चाहता हूं, हमने सब जातियों को स्थान दिया मगर किसी के दूसरे के विरुद्ध नफरत पैदा करके नहीं। मोदी जी का मंत्र है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों का सम्मान, सभी का स्थान, इनका है एक परिवार के हाथ में सत्ता और जातियों में घमासान, इसको इससे लड़ाओ, उसको उसके खिलाफ नफरत पैदा करो, फिर उसके बाद एक दूसरे से सत्ता प्राप्त करो। इसीलिए मैंने विनम्रता से कहा हिंदी भाषी क्षेत्र में 12 हमारे CM और डिप्टी CM हुए हैं मिलाकर, हमने किसी के प्रति नफरत नहीं पैदा की और सबको स्थान दिया, इसलिए सब साथ में स्वतः आते चले जा रहे हैं। और ये लोग उस पुरानी लड़ाई भिड़ाई काट छाट वाली पॉलिटिक्स में पड़े हैं और आज जिस प्रकार की भाषाई वैमनस्य हो गया है, शायद उस परिप्रेक्ष्य में लगता हुआ गठबंधन टूटने के बाद जब तक एक दूसरे के विरुद्ध कुछ गाली गलौज ना हो तो गठबंधन टूटता हुआ नजर नहीं आता।
लेकिन इनके चार विधायक यहाँ पर फंक्शन में बैठे हुए हैं त्रिपाठी जी, आप कैसे कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट है? चार विधायक इनके टूट गए हैं जेजेपी के, और आपको ये हंसी खेल लग रहा है? देखिए, मैं चाहेगा कि अपने ही विधायक टूट जाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं इसीलिए कह रहा हूं, और मैं जब भी कह रहा हूं कि रणनीतिक तौर पर हो सकता है, वरना क्या वजह होगी कि दुष्यंत चौटाला कहीं भी वो आक्रामकता नहीं दिखाते? ठीक बात है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद फिर से साथ में आ जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट फोकस के साथ साथ, गैर जाट फोकस के साथ साथ जाट संतुलन की भी बड़ी राजनीति की है। आप जयंत चौधरी से लेकर जगदीप धनखड़ देखते हैं, आप उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को देखते हैं, तो ये जो संतुलन बिठाने की कोशिश की, शायद इसकी भी एक बड़ी वजह है। इस पर आपका तो दुष्यंत चौटाला इतने समय उप मुख्यमंत्री रहे, कल जिस प्रकार से उनकी जगत प्रकाश नड्डा जी से भेंट हुई है, उसके आधार पर बहुत सी चीजें लगता है कि जो अनसेड है दिख नहीं रही। ठीक है सुधांशु जी, लेकिन चार विधायक तो उनके आपके फंक्शन में बैठे, माना जा रहा है कि आपने तोड़ लिए हैं। देखिए, विधायक फंक्शन में तो कमलनाथ के शपथ ग्रहण में दिग्विजय सिंह, सॉरी अपने शिवराज सिंह चौहान जी भी थे। शपथ ग्रहण में जाना तो एक सामान्य शिष्टाचार था जो इन दिनों खत्म हो गया है। मगर हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमने अगर उत्तर प्रदेश में जाट समाज का अध्यक्ष बनाया है, उत्तर प्रदेश में तो जाट इतनी संख्या में नहीं है कि कोई बहुत प्रभावी भूमिका न बनाई जा सके। उससे पहले सूर्य प्रताप शाही जी हमारे अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश में भूमिहार भी इतनी भारी संख्या में नहीं है, वो बिहार में भारी संख्या में। यह दर्शाता है कि हम जातिगत संख्या का संतुलन और वोट बैंक के तराजू को नहीं तोड़ते, जो कार्यकर्ता प्रभावी है उसको आगे रखने का प्रयास करते हैं, बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि वो बड़ी जाति से आता है, ज्यादा बड़ी संख्या है, कम बड़ी संख्या है। ठीक है।